सुपरस्टार सलमान खान इज ओवर द मून विद द सुपर सक्सेस ऑफ हिज लेटेस्ट फिल्म बजरंगी भाईजान। द फिल्म इज नॉट ओनली कंटिन्यूइंग इट्स गोल्डन रन एट द बॉक्स ऑफिस बट ऑल्सो अर्नड अ ह्यूज रिस्पेक्ट एंड फैन फॉलोइंग टू द सुपरस्टार। And to thank everyone for such a blockbuster success, Salman Khan held a press conference on Monday where he spoke about lot of things related to film as well as helping mute Indian girl Geeta who is stranded in Pakistan for the last 14 years. Watch his exclusive confessions during the press meet here. एक फीलिंग तो थी लेकिन ये हमेशा से ये हमारी थिंकिंग थी कि जितने लोग जाएंगे थिएटर में ये पिक्चर देखेंगे अप्रिशिएट करेंगे हम सबको सिर्फ एक ही चीज़ पता चल जाएगी कि हम सेफ पेज पर हैं सेफ वेवलेंथ पे थिंकिंग सेम है। तो सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये है कि सब लोग गए थिएटर के अंदर और किसी ने ये नहीं कहा कि ये क्या गलत फिल्म बना दिया इन लोगों ने। क्यों हमेशा से जब हम लोग डील करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर तो हम डील करते हैं आर्मी वगैरह वगैरह ये वो यू नो टेररिस्ट, हमने कभी वो एक ह्यूमन साइड एक आम आदमी का एक वो साइड दिखाया ही नहीं। तो पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी आम जो इंसान हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं उनको तो हमने कभी दिखाया नहीं हमारी पिक्चर में। तो ये हमारा था और फिर एक नोबल फिल्म थी कि जो एक बच्ची को अब वापस अपने माँ बाप के पास घर छोड़ के आना इससे बेटर क्या हो सकता है। तो बेसिकली हम लोग डील कर रहे थे विथ ह्यूमैनिटी और वो सब लोगों को पसंद आई। तो खुशी की बात है ये यू नो वी वर स्केयर्ड क्योंकि एक पहले का जो राउंड ऑफ एक नेगेटिविटी थी इस फिल्म के प्रति कि क्या बना रहे हैं ये लोग यू नो कि किसको नीचा दिखाएंगे किसको ऊपर दिखाएंगे। तो हम तो ये कब यू नो पहले से ही कह रहे थे कि इससे पॉजिटिव फिल्म हो नहीं सकती। तो जो हमारी जो थिंकिंग थी इस फिल्म के प्रति ये सब लोगों ने यूनैनिमसली ये पिक्चर देख के कहा है कि इससे बेटर इससे बढ़िया इससे बेहतर फिल्म नहीं बन सकती। जितने लोगों ने ये फिल्म देखी इनफैक्ट आमिर और शाहरुख ने बिना ये फिल्म देखे हुए ट्रस्ट करके उन्होंने यू नो फर्स्ट लुक लॉन्च किया है यू नो ट्विटर पे। फिर जिन ने ये फिल्म देखी इंडस्ट्री के अंदर उन सबको बहुत पसंद आई। बट सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि जो फैन फॉलोइंग है इससे यू नो एक अलग ही किस्म का रिस्पेक्ट अप्रिसिएशन तो हर फिल्म के अंदर कभी मिलता है नहीं मिलता है मेजॉरिटी वो नंबर्स डिसाइड करती हैं कि इस फिल्म को अप्रिसिएशन मिला है नहीं मिला है। तो एक अप्रिसिएशन के साथ एक इज्जत भी बहुत इस फिल्म यू नो से बड़ी है। इट्स रियली स्वीट ऑफ देम एंड आई रियली अप्रिशिएट व्हाट दे सेइंग एंड आई बीन हियरिंग अ लॉट ऑफ दिस बट I'm sure there are a lot of other people who deserve a national award more than I do. And jo award mujhe mila hai, you know, people have loved the film, you know, they've watched the film 3, 4, 5 times. I think that is, isse bada national award kya mil sakta hai, jo public ne mujhe already de diya hai. Bajrangi Bhaijaan has, I'm not very clear because I've been here for the longest time, so, ये कितने साल से मुझे इनकी हिस्ट्री थोड़ी थोड़ी पता है तो कि ये पाकिस्तान में मिली थी 15 साल पहले तो वहाँ पे पहुँची कैसे वो ट्रेन के थ्रू पहुँची वहाँ पर। इससे पहले इनके माँ बाप ने इनको क्लेम करने की कोशिश नहीं की ना कोई FIR ना कोई रिपोर्ट ना कुछ एनी पुलिस स्टेशन कुछ नहीं। हाँ नहीं नहीं लेकिन नहीं आई थिंक कोई NGO पाकिस्तान से कुछ उन्होंने पहल की थी शायद वो जी मीडिया में रिपोर्ट नहीं आई थी इससे पहले आपकी फिल्म के बाद ही ये सारी चीज़ें। बट द आयरनी सर कि चार फैमिलीज ने अप्रोच किया है कि ये हमारी बेटी है तो आई थिंक वी शुड लीव टू द गर्ल
एंड वी शुड थैंक यू नो दी एन जी ओ ऑफ पाकिस्तान यू नो फॉस्टर पेरेंट्स जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है 14 साल से उन्होंने वहाँ पर उसको यू नो एक अच्छी ज़िंदगी दी तालीम दी है उसको वहाँ पर तो वी शुड रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट दे हैव केप्ट एन इंडियन देयर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड आई थिंक जब वो डिसाइड करें कि उनके माँ बाप कौन हैं वो फिर वो आप टेस्ट करा लें बिकॉज अभी इतना हाइप हो गया तो यू नो यू शुड फाइंड हर रियल पेरेंट्स आउट और फिर वो जो ज़िंदगी जो वहाँ मिली है ये 14 साल से यू नो आई थिंक शी मस्ट बी हैविंग ओन फैमिली देयर ओन फ्रेंड्स देयर तो ओनली इफ शी गेट्स इट मच बेटर हियर दैट वी शुड और शी इज़ कमिंग डाउन हियर एनी विच वे दैन वी शुड मेक श्योर दैट हर लाइफ आउट हियर यू नो इज़ अ लॉट बेटर देन इट वॉज देयर अदरवाइज फिर पॉइंट क्या है